नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदी की मुकद्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे और रब करीम से दुआगो हूँ कि अल्लाह करीम आपको दीनी इस्लाम के साथ सेहत व सलामती वाली, प्यार व मोहब्बत वाली, अपने ख़ानदान और फैमिली में खुशी वाली, इतफाक़ व इतिहाद वाली और पाकीज़ा और खुशी वाली लाइफ और ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त अहबाब जादू, सहर, बंदिश और नज़र बद के बारे में जो है ना देखते रहते हैं और पूछते रहते हैं, और आज मैं आपको जो है ना एक तरीका बतला देता हूँ, एक अमल बतला देता हूँ, उसकी आपको मैं आम इजाज़त देता हूँ कि आप उस मखसूस तादाद में इसको सिर्फ 3 दिन पढ़ें, आप उसके आमिल बन जाएंगे और आमिल बनने के बाद आप उसकी आगे इजाज़त भी दे सकते हैं, और किसी पर भी आप 3 मरतबा पढ़कर दम करेंगे ना, उसका अल्लाह के फजल व करम से जादू, सहर, बंदिश और नज़र बद ये ख़त्म हो जाएगी। आप ख़ुद पढ़ें और फैमिली के तमाम अफराद के लिए पढ़ें और उसके आमिल बन जाएं। इससे पहले मेरी अपने तमाम सामीन, नाजरीन, व्यूज़ और सब्सक्राइबर से गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल हैप्पी लाइफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने ख्यालात का इजहार करें, और आप या आपकी फैमिली के किसी भी फर्द का कोई भी मसला हो, बीमारी हो, परेशानी हो, उसका नाम लिखकर, अपने सिटी का नाम लिखकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं खुद भी और मेरे हैप्पी लाइफ चैनल के जितने भी मेंबर हैं उसका जो पैनल है अपनी दुआओं में आपको याद रख सकें, आप के जो काम और मामले को देखकर जो है ना उसके लिए हम खुसूसी तौर पर आपके लिए दुआ कर सकें और उसका कोई बेहतरीन किस्म का आपको हल और कोई तरीका आपको उसका बता सकें। और इसी के साथ आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को खिदमत खलक और खिदमत इंसानियत की नीयत से अपने फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक के पेज पर ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर की वजह से, एक फॉरवर्ड की वजह से अगर किसी का काम बन जाता है, किसी मुसलमान की मुश्किल और परेशानी हल हो जाती है, उसमें आसानी पैदा हो जाती है, आप यकीन करें कि आपका बेड़ा भी पार हो गया। ये मैं आपको बताऊँ, मेरी इस पर एक वीडियो है कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे 3 या 4 दफ़ा जो है ना ये कहा कि मेरी इस पे वीडियो बनाए। वो सिर्फ ये काम करता था, जो भी अच्छी वीडियो लगती उसको फॉरवर्ड कर देता था, जो भी अच्छी उसको आगे भेजता था, लोगों को भेजता था। कहते हैं कि मेरे इस भेजने की वजह से ना मेरे इतने मसाइल और मुश्किल और परेशानियाँ थी ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना आनन फानन सब ख़त्म कर दी, आनन फानन सब ख़त्म कर दी। बाद में जाकर मुझे पता चला कि मैं तो कुछ पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक नेकी का काम ये करता हूँ कि जो भी नेक अमल, वजीफ़ा, बेहतरीन चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आपको कोई अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्त अहबाब को फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। प्यारे सामीन और नाज़रीन, 3 दिन का अमल है अमल बनने के लिए। रोज़ाना आपने आयतुल कुर्सी एक जगह पर बैठें 70 मरतबा। सबसे पहले आपने अगर कोशिश ये करें सूरह यासीन हो जाए, पढ़ लें तो अच्छी बात है। 11 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद 70 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 70 मरतबा सूरह मोमिनून की आखिरी जो 4 आयात हैं, अफा हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये 4 आयात आप 70 मरतबा पढ़ें, और 70 मरतबा सूरह फलक और नास पढ़ें। 3 दिन सिर्फ पढ़ें, आप 3 दिन पढ़ने के बाद जो है ना आमल बन जाएंगे। एक तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आप पर किसी भी किस्म का जादू है, सहर है, बंदिश है, नज़र बद है, वह ख़त्म हो जाएगी, और आइंदा आपके ऊपर भी कोई भी जादू, सहर, बंदिश या नज़र बद का सोचेगा भी ना, उसका उल्टा नुकसान उसको होगा। आप देख लेंगे अगर आप सिर्फ 3 दिन वक़्त निकालें और इन आयतुल कुर्सी, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात, सूरह फलक और नास, इसके अमल बन जाएं, और उसके बाद आप और अपनी फैमिली के लिए जो है ना सिर्फ 3-3 दफ़ा पढ़ कर दम करेंगे ना, इसमें वो तासीर होगी, वो कुवत होगी, वो जान होगी ना कि आपके ऊपर ना कोई जादू कर सकेगा,
ना कोई सहर बंदिश कर सकेगा और ऐसे ही ना आप या आपकी फैमिली के मेम्बर पर कोई भी नजर बद डालेगा। अगर नजर बद हुई भी आप 3 मरतबा पढ़ कर दम करेंगे, अल्लाह के फजल करम से हर चीज़ पाश पाश हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी इसका अमल बनाए और आपके इस अमल में कुव्वत और जान पैदा फरमा दे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।